ZCU20, आपको दिखाते हैं कि इंजन कैसे स्टार्ट होगा। वार्निंग बोर्ड ना लगाओ, ठीक है, लेवल देखने, ये बैटरी बोर्ड होना चाहिए। सबसे पहले जब असिस्टेंट ड्राइवर आएगा, लोकोमोटिव को एग्जामिन करेगा, तमाम लुब्रिकेंट कूलेंट्स लेवल जो हैं इसके करेक्ट इंटैक्ट होने चाहिए, कोई डीजल इंजन का हिस्सा खुला ना हो, कोई पार्ट्स वगैरह खुला ना हो, कोई मेंटेनेंस स्टाफ काम ना कर रहा हो, वार्निंग बोर्ड ना लगा हो कि इंजन को स्टार्ट ना करें। अच्छा, ये जो अर्शद साहब ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ये स्विच जो है, ये बेसिकली किस चीज़ का स्विच है? सर ये बैटरी नाइफ स्विच कहते हैं, बैटरी स्विच है। स्टार्टिंग से पहले इसका क्लोज होना लाजमी है, यानी कि इसको लगा रहना चाहिए, लगा होना चाहिए। सही है, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर हम देखेंगे बैटरी वोल्ट इसके होने चाहिए। बैटरी वोल्ट कहाँ से पता चलेंगे इसमें? ये देखिए, चार्जिंग मोड आउटपुट इसकी वोल्टेज अभी 70 है, ये बैटरी वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखने के बाद फिर ये थ्रॉटल हैंडल को हमें आइडल पे होना चाहिए। सही है, रिवर्सल मोड पे होना चाहिए। रिवर्सल मोड पे अंदर जो रिलेटेड स्विचेज हैं वो ऑन है, और ये इसी स्विच जो है हमने रनिंग पे रख दिया है। सही है, ठीक है। अब इसको रनिंग पे रखने के बाद यहाँ से कर लें, ऑप्शन है स्टार्टिंग का, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। दूसरे ऑप्शन इधर है, आइए, सबसे पहले हम जब इंजन एग्जामिन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो कोई नहीं है। सही है, इसमें पहले नज़र मार लेते हैं, जितने भी वाटर के पाइप है, लूब ऑयल के पाइप है, जितने भी इस पर नज़र मार लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जो है ना, ये इंजन में लूब ऑयल का गेज है, गेज को निकाल के इसको एक मतलब ऐसे साफ करके, ये देखो ये फुल मार्क लिखा हुआ है, ये लो मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोबारा से साफ करके इसमें जो है ना इसका ये चेक कर लेते हैं। अब ये हमने दोबारा इसको चेक कर लिया तो ये हमारा लूब ऑयल जो है ना ये फुल मार्क पे, इसका मतलब ये कि ये ठीक है जी, हमारा लूब ऑयल ठीक है, ठीक हो। सही, इसके बाद फिर क्या करते हैं? इसके बाद हम इसका जो है ना एक्सप्रेसर चेक कर लेते हैं। एक्सप्रेसर का मतलब ये है कि ये हमारा है एक्सप्रेसर, एक्सप्रेसर, हाँ एक्सप्रेसर, ये पूरी ट्रेन में जो प्रेशर बनाने का काम है वो ये एक्सप्रेसर कर लेते हैं। अच्छा, इससे पूरी ट्रेन की जो ब्रेक हो रही है वो इससे काम करती है, ब्रेक निज़ाम इसी से जो है ना। इसका ये नीचे गेज लगा हुआ है, गेज लगी हुई, ये गेज लगा हुआ है, ये देखो आप इसका ये फुल मार्क पे, ये ग्रीन मतलब ग्रीन में, सही है, ये फुल मार्क पे, इसका मतलब ये कि हमारा एक्सप्रेसर हो के ऑयल बेसिकली ये प्रेशर बनाता है ब्रेक का, वैक्यूम जो है वो ये क्रिएट होता है। सही है, ठीक हो गया जी। इसमें एक्सप्रेसर है, वैक्यूम सिलेंडर भी लगे हुए हैं और एयर के भी हैं, एयर की सूरत में एयर भी बनाते हैं और वैक्यूम भी बनाते हैं। एक्सप्रेसर ये मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से ऑपरेट हो सकते हैं। ये तो एसी मोटर ड्रिवन है, बाद लोकोमोटिव के एक्सटेंशन शाफ्ट के थ्रू चलते हैं। सही है, दो तरह की हमारे पास, ये जो है एसी मोटर ड्रिवन है इसमें। सही है, और जो नया लोकोमोटिव है उसके साथ डायरेक्ट है, वो एक्सटेंशन शाफ्ट के थ्रू चल रहा है। सही है, ठीक है जी। और ये इससे अगला प्रोसीजर क्या है बताएं? पानी का लेवल देखते हैं। सही है, पानी का, ये पानी का गेज लगा हुआ है, ठीक है, वाटर ये ग्लास लगा हुआ है, तो ये फुल मार्क जो होना चाहिए, फुल मार्क। ये पानी किस काम के लिए है? ये कूलेंट है बेसिकली। हाँ जी, पूरी इंजन की टेम्परेचर, ये इंजन का जो टेम्परेचर है उसको ये कूल कर कंट्रोल करने के लिए। ये देखो ये फुल मार्क जो आपको नजर आ रहा है, ये फुल मार्क है। सही है, ठीक है। और साथ साथ ये थॉरली एग्जामिन भी करते हैं, मतलब कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसी चीज हो, मतलब मिसिंग हो या अपनी जगह पे ना, वो भी साथ साथ में देखते रहते हैं। सही है, डीजल इंजन में क्योंकि हीट कंटिन्यू चलती रहती है, हीट है उसमें, इन्होंने जिन्हें वाटर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास टैंक है, रिजर्व है, ये ग्रीन लाइन का इंजन खड़ा हुआ है ZCU20, अभी ये गाड़ी जाने के लिए तैयार हो रही है और इंजन स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साहब।
इसमें तो स्पेशल किस्म का पानी है ना, दूसरी लोकोमोटिव में यहाँ से फिर पानी भरा जाता है। तो बेसिकली ये कूलेंट है, कूलेंट पॉइंट है, जहाँ से कूलेंट इसमें भरा जाए। जी जी, कूलेंट सही।